दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ वाराणसी के चंदवा छित्तूपुर का, ये सब्जी मंडी है जैसा कि आप देख रहे होंगे दाहिने और बाएं साइड में आपका रोड पर भी, क्योंकि देख रहे होंगे दुकानदार बेच रहे हैं। और सुबह में देखा जाए तो इसी प्रकार का आपको जाम भी मिलेगा और इसी तरह का भीड़ भाड़ भी मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो जो इसका मेन जो चंदवा सट्टी है, यानी इस साइड दाहिने साइड में देखा जाए तो अंदर कुछ जगह है, लगभग देखा जाए तो एक दो बीघा कह सकते हैं, वहीं पर चनवा सट्टी का मार्केट लगता है। और बहुत से लोग हैं जो कि अंदर जगह न होने के कारण बाहर ही रोड पर ही लगा के बेचते हैं सब्जी। तो देखिए ये अंदर दाहिने साइड में जो देख रही है प्रवेश द्वार चनवा सट्टी में जाने का। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखा जाए तो यह जो एरिया है यह लगभग सिगरा क्षेत्र में ही आता है। तो सिगरा से आपका दुर्गा कुंड तक का आपको नज़ारा दिखाऊँगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। में देखा जाए तो सुबह के 9 बज रहे हैं और सामने जो त्रिमहारी देख रहे हैं ये जो बाएं साइड में जो रास्ता जाएगा ये सीधे आईपी मॉल के पास चला जाएगा। और यह जो है ये है आपका शास्त्री मार्केट। और यही शास्त्री मार्केट के आगे बढ़ने पर आपका देखेंगे तो ये देखिए कोविड टीकाकरण केंद्र, जो कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में यह स्थल बनाया गया है। और यह जो एरिया है यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर फल मंडी भी स्थित है। हालांकि देखा जाए फल मंडी स्थित है लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी फल आपको सस्ता नहीं मिलेगा। और इस साइड है आपका भारत सेवाश्रम संघ। और यही जो बाएं साइड वाला जो रास्ता है ये सीधे आपका सोनिया होते हुए औरंगाबाद होते हुए जो कि नई सड़क के लिए आप चले जाएंगे। ये देखिए ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है गुजराती धर्मशाला। और गुजराती धर्मशाला के ही आगे बढ़ने पर दाहिने साइड में है आपका शहीद उद्यान पार्क। ये जो देख रहे हैं ये है आपका शहीद उद्यान पार्क। और इस साइड है आपका सिगरा पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल जैसा कि आप देख रहे होंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं सिगरा चौराहा पर, जो कि दाहिने साइड वाला रोड सीधे आपका महमूरगंज के लिए चला जाएगा और वही बाएं साइड वाला रोड आपका सिद्धगिरी बाग होते हुए जो कि सोनिया रोड में जाकर मिल जाएगा और औरंगाबाद होते हुए जो कि नई सड़क के लिए चला जाएगा। सुबह का समय है जिसके वजह से सभी लोग अपने काम धंधा पर निकल चुके हैं, जिसके वजह से आप देखेंगे तो काफ़ी कई जगह आपको जाम भी नज़र आ रहा होगा, जैसा कि मैं इस समय धीरे धीरे अपना गाड़ी चला रहा हूं। और सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है कृषि एक्सपोर्ट प्लाजा और उसी के ठीक सामने एक नटराज सिनेमा हॉल हुआ करता था। ये जो कि आप देख रहे हैं पूरा खाली मैदान है, अब देखा जाए तो इसे तोड़ ताड़ कर पूरा मैदान बना दिया गया है। बाएं साइड में जो व्हाइट कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं यह है कुबेर कॉम्प्लेक्स। और कुबेर कॉम्प्लेक्स में ही आपको कई सारे आपको मोबाइल शॉप की दुकानें भी मिल जाएंगी। और सामने है आपका रथ यात्रा चौराहा है, जो कि यह भी दाहिने साइड वाला रोड महमूरगंज के लिए चला जाएगा और सीधे रास्ता यानी बाएं साइड वाला जो रास्ता है यह गुरु बाग होते हुए लगता होते हुए
जो कि देखा जाए तो दशाश्वमेध घाट के लिए चला जाएगा। और हम लोग को चलना है दुर्गा कुंड, तो यही से हम लोग यानी देखा जाए तो दो पहिया वहाँ जाने के लिए यह रास्ता बनाया गया है, चार पहिया वहाँ जाने के लिए आपको गुरुबाग होते हुए आपको जाना पड़ेगा। और यही देखा जाए तो ये रास्ता जो देख रहे हैं ये चला जाएगा आपका खुजवा के लिए। सामने देख रहे होंगे जैसा कि एक नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है श्री बटुक भैरव मंदिर और कामाख्या मंदिर जाने के लिए दाहिने साइड में एक रास्ता है, यानी कामाख्या मंदिर के लिए भी चले जाएंगे और बटुक भैरव मंदिर के लिए भी चले जाएंगे। सामने आप देख रहे हैं जो कि कमच्छा त्रिमुहाने है और यह जो मंदिर है यह है सायरी माता का मंदिर। और यह भी जो बाएं साइड वाला जो रास्ता देख रहे हैं सीधे आपका गुरुबाग के लिए चला जाएगा, गुरुबाग होते हुए जो कि लक्सा वाले रोड में जाकर मिल जाएगा। और इसी रास्ते पे देखा जाए तो कमच्छा में आपका सेंट्रल हिंदू इंटर कॉलेज भी स्थित है जो कि दाहिने साइड में जो देख रहे हैं यह है प्रवेश द्वार, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ आपका भेलूपुर में और भेलूपुर में भी देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको कई सारे आपको फल मंडी मिल जाएंगे, यानी फल मंडी नहीं फल की दुकान है, यानी कि फल मंडी तो ये है ही और आपको कई सारे आपको फल की दुकान भी मिल जाएंगे। और इसी फल मंडी से सटा हुआ है आपका बिजली विभाग ऑफिस। और उसी के ठीक सामने आप देखेंगे तो इस साइड है आपका जल कल विभाग। भेलूपुर में ही देखेंगे तो ये एक स्कूल है सीएम एग्लो बंगाली इंटर कॉलेज जो कि काफी प्रसिद्ध है यह इंटर कॉलेज। देखिए ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं ये सीधे अगर जाया जाए तो आगे ही जाने पर यह भी दुर्गा कुंड के लिए चला जाता है और मैं इधर भेलूपुर होते हुए चल रहा हूँ तो ये भी यानी जाकर उसी वाले रोड पर जाकर मिलेगा। और भेलूपुर में ही देखा जाए तो आपका जैन मंदिर भी स्थित है, ये देख रहे होंगे जो कि सामने एक नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है। और अभी हम लोग आ चुके हैं आपका भेलूपुर चौराहा, ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं यह भेलूपुर थाना है और बाएं साइड वाला रोड आपका रेवड़ी तालाब होते हुए गिरजाघर चौराहा के लिए चला जाएगा और सीधे रास्ता ये देखा जाए तो आपका हरिश्चंद्र घाट के लिए चला जाएगा।
और देखिए इस साइड है आपका आईपी विजय मॉल, और हम लोग को चलना है दुर्गा कुंड। दुर्गा कुंड जाने के लिए हम लोग को सीधे चलना होगा, और ये वाला जो रास्ता है ये आपका चला जाएगा रविंद्रपुरी कॉलोनी। सामने देखिए है रोटरी चौराहा, जो कि ये भी बाएं साइड वाला रोड जाके रविंद्रपुरी कॉलोनी में ही जाके मिलेगा। और ये दाहिने साइड वाला जो रोड है ये देखा जाए तो आपका भेलूपुर जो कि फल मंडी था वहाँ के लिए भी चला जाएगा, और आगे जाने पर एक रास्ता कटा हुआ है बाएं साइड में जो कि कुजमा के लिए चला जाएगा। सामने है गुरुधाम चौराहा, जो कि बाएं साइड वाला रोड आपका रविंद्रपुरी कॉलोनी में जाकर मिल जाएगा, और वहीं दाहिने ही साइड वाला जो रोड है ये देखा जाए तो ये भी खोजमा के लिए चला जाएगा। और दोस्तों गुरुधाम चौराहा से ही आगे बढ़ने पर आपका दाहिने साइड में यानी कि पिछले कुछ साल पहले ही बनकर तैयार हुआ मंदिर जिसका नाम है मणि मंदिर, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी भी नहीं होगा कि आखिर दुर्गा कुंड एरिया में ही वो मणि मंदिर है कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता रहा हूँ मणि मंदिर कहाँ स्थित है। ये आप दाहिने साइड में देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल, इसी के अंदर है आपका मणि मंदिर। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं मणि मंदिर के बाद आपका दुर्गा कुंड, और ये वाला जो रास्ता देख रही है देखा जाए तो ये आपका 80 घाट के लिए सीधे चला जाएगा, और ये है दुर्गा कुंड, और वो जो आप देख रहे हैं जो रेड कलर का जो देख रहे हैं मंदिर वो है दुर्गा मंदिर, और ये है आपका दुर्गा मंदिर के बाहर का कुछ मार्केट जहाँ पर आपको यानी देखा जाए प्रसाद माला दिखते हुए आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर है आपका प्रवेश द्वार मंदिर में जाने के लिए, ये देख रहे हैं सुबह का समय है काफी भीड़ भी है। तो इसी मंदिर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका है मानस मंदिर। तो यह था आपका सिगरा से दुर्गा कुंड तक के नज़ारे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, क्योंकि यह वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल वीडियो है, क्योंकि बहुत से जो
आपके जो बाहर से आते हैं दुर्गा कुंड बीएचयू जाने के लिए, तो सिगरा से ही देखा जाए यानी कि वाराणसी जंक्शन से ही वो सिगरा होते हुए आपका दुर्गा कुंड तक आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।